हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवाल और आज का अपना टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ आरटीएल ब्लड प्रेशर, या फैक्टर कौन कौन से मेंटेन करते हैं आरटीएल ब्लड प्रेशर को, तो वो अपन देखने वाले हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन का जो ब्लड प्रेशर है रेगुलेशन किया जाता है। बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं। अपन ने हार्ट रेट में केवल एक ही मैकेनिज्म पढ़ी थी, नर्वस मैकेनिज्म, उसके पार्ट देखे थे। यहाँ पे अपन चार मैकेनिज्म देखेंगे, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे अपन पहले देख ले रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, डिटरमिनेंट या डिटरमाइन करते हैं कि कितना रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अपन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम काम करता है, उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या, सीएनएस, जो मेन पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कैसे करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर कहीं कहीं से मैसेज लाता है और वहां तक अपन क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां तक भेजता है। तो दो तरह से काम करता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस उसी तरह से अपन के हार्ट का ये फैक्टर काम करते हैं कि दो टाइप के फैक्टर में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला एक सेंट्रल फैक्टर हो जाता है, एक पेरिफेरल टाइप का। तो सेंट्रल कौन हो गया, तो देखिए नर्वस सिस्टम में कौन हो जाता है, सेंट्रल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अपन के हार्ट में कौन हो जाएगा, अपन का हार्ट हो जाएगा, और उसकी हार्ट रेट कितने टाइप से, तो मतलब हार्ट के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेंट्रल फैक्टर, और हार्ट के अलावा जो वेसल्स के फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, उसके पेरिफेरल फैक्टर। ठीक है, तो आप अपन देखने वाले हैं फैक्टर कौन कौन से मेंटेन करते हैं अपने ब्लड प्रेशर को। फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड लोकल फैक्टर या मैकेनिकल फैक्टर। तो इनको लोकल फैक्टर कहते हैं, जो जनरली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोकल फैक्टर, दे आर टू टाइप्स, सेंट्रल फैक्टर एंड पेरिफेरल फैक्टर्स। तो सेंट्रल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, जो हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी अपन की सेंट्रल फैक्टर में। और पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स पे लगता है, ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, वेलोसिटी ऑफ ब्लड ब्लड फ्लो, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये सब फैक्टर क्या आते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो इस तरह से अपन ने क्या, सेंट्रल और पेरिफेरल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे किस तरह से अपन का ब्लड प्रेशर है इन फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो देखिए, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बस इतना बता दिया आपको कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे क्या, अपन बहुत शॉर्ट पॉइंट में हो जाएगा, अपन आसानी से याद कर लेंगे, और क्या है उसको अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके थोड़ा डिटेल में लिख के यूनिवर्सिटी में आराम से एक डेढ़ पेज का या दो पेज तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है आरटीआई ब्लड प्रेशर के, तो कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जितना ज़्यादा रहा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा आर्टरी में। ठीक है, हार्ट रेट, हार्ट रेट जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, क्योंकि उतना ज़्यादा ब्लड फेंका जा रहा है तो आर्टरी में उतना ज़्यादा ब्लड आएगा। कार्डिक आउटपुट की वजह से ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो ब्लड की जो रेट है वो किस वजह से हो रही, हार्ट रेट की वजह से बहुत ज़्यादा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैपिलरी में एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है कि आरटीआई ब्लड प्रेशर को, ये भी मेंटेन करता है। ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का आपको समझ में आ गया ना, छोटी वेसल्स में से बहुत तेज ब्लड जाना है, बहुत ज़्यादा ब्लड जाना है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। विनस रिटर्न, विनस रिटर्न जितना ज़्यादा रहता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के, और कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा रहा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जितनी तेज़ी से होगा उतना ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मीन्स प्रोटीन्स वगैरह बढ़ गए अगर ब्लड में तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचेंगे वो, जितना चाहे ब्लड आ जाए वेसल्स में वो उतना ज़्यादा ब्लड रह सकता है। इस वजह से अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई, तो मान लो पहले वेसल इतनी थी और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वो कितनी भी इलास्ट हो जाए चल जाएगा, तो ब्लड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक तो इलास्टिक रहती है, और एक होता है डायमीटर और ब्लड वेसल्स, अगर डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उस पर, ना कार्डियक आउटपुट का इफेक्ट आएगा, ना हार्ट रेट कितना भी हो जाए। तो ये हो जाएंगे अपन के फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, इन्वर्सली कौन होता है, और अगर आप इसको पॉइंट के हिसाब से लिख लेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि आरटीआई ब्लड प्रेशर एक हेडिंग बना के कार्डिक आउटपुट किस तरह से इफेक्ट करता है, तो कार्डिक आउटपुट में अपन लिख देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर के। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत सारा जब ब्लड वेसल्स में आता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया है। ठीक है, थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, दिस इज मोहित अहरवाल और आज का अपना टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ आरटीएल ब्लड प्रेशर। देखिए, आरटीएल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, हार्ट रेट का किस तरह से रेगुलेशन किया था, उसमें एक सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म उसमें काम करी थी, नर्वस मैकेनिज्म के कुछ पार्ट ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेशन काम करने में आ रहे थे। तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कि नर्वस मैकेनिज्म और हार्ट रेट वाली नर्वस मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, और हार्ट रेट को सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म कंट्रोल कर रही थी, यहाँ पे अपन देखेंगे उससे अलावा भी दो तीन मैकेनिज्म होती हैं
जो कि नर्वस मैकेनिज्म, रीनल, हार्मोनल, लोकल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडी हैज फोर मैकेनिज्म टू मेंटेन आरटीएल ब्लड प्रेशर। नर्वस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि ये बहुत ही क्विक एक्शन में काम करती है। रीनल मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब ये बहुत लंबे समय में काम करती है। हार्मोनल मैकेनिज्म मतलब किसी हार्मोन से कंट्रोल करना, और लोकल मैकेनिज्म मतलब लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये चार मैकेनिज्म है जो आरटीएल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे नर्वस मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म जो होती है उसको शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस मैकेनिज्म क्विक इन एक्शन, बहुत जल्द काम करती है, ऑपरेट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड देन इट अडेप्ट न्यू प्रेशर, हेंस इट कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। देखिए, बहुत ही तुरंत क्विक एक्शन करती है और जो भी ब्लड प्रेशर में जो भी बदलाव हुए होंगे उसको वापस से ठीक कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लोग शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म कंट्रोल बीपी बाय थ्री मैकेनिज्म, ये तीन मैकेनिज्म से कंट्रोल करती है। एक तो होता है इसमें वैसोमोटर सेंटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स और वैसोडायलेटर फाइबर्स। देखिए हार्ट रेट वाले में वहां से कंफ्यूज मत होना, वहां पे भी वैसोमोटर सेंटर था लेकिन वहां पे मोटर फाइबर्स थे और सेंसरी फाइबर्स थे। यहां पे दोनों के दोनों कैसे हैं? मोटर फाइबर्स हैं। और दोनों के दोनों मोटर फाइबर्स कहां से निकल रहे हैं? अपन के इन सेंटर से निकलेंगे। वैसोमोटर सेंटर्स में कितने? तीन पार्ट आ जाते हैं यहां पे। एक आता है वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया, और एक आ जाता है सेंसरी एरिया। अपन देखते हैं आगे। पहले मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से वो हार्ट रेट वाले कंट्रोल मैकेनिज्म से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन वैसोमोटर सेंटर। देखिए वैसोमोटर सेंटर होता क्या है? वाइलेटरी सिचुएटेड इन रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड लोअर पार्ट ऑफ बोन्स। मैं पहले भी बता चुका था आपको, हार्ट रेट वाले में आपको बताया होगा वैसोमोटर सेंटर कहाँ पे होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड मेडुला, ये सेरिबेलम में पीछे की तरफ, ये फोर्थ वेंट्रिकल। इन आठवीं में जब अपन पढ़ लेंगे सीएनएस वाले चैप्टर में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, या भी थोड़ा डाउट रहेगा। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है? जब व्हाइट फाइबर्स क्या होते हैं ग्रेमीटर से क्रॉस हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इसका ये वाला था मैंने सिजाइटिस सेक्शन था, अब इसको मैं ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये वाला जो एरिया आ रहा है ये होगा वैसो डायलेटर एरिया, ये बगल में हो जाए लेटरली हो जाएगा अपन का वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया, मीडियली वैसो डायलेटर, लेटरली वैसो कॉन्स्ट्रक्टर, और पोस्टेरो लेटरली ये दोनों साइड हो जाएंगे। पोस्टेरो लेटरली क्या हो जाएगा अपन का? सेंसरी एरिया। ठीक है, तो सेंसरी एरिया से सेंसरी फाइबर्स निकलेंगे, वैसो डायलेटर, वैसो जो डायलेटर एरिया उससे वैसो डायलेटर फाइबर्स निकलेंगे, और वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया से वैसो कॉन्स्ट्रक्टर फाइबर्स निकलेंगे। तो ये फाइबर्स कहाँ से निकलेंगे? इन एरियाज से। ठीक है, तो अपन वैसोमोटर सेंटर में एरिया देखते हैं। सबसे पहले वैसोमोटर सेंटर में तीन एरिया होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। अब यहाँ पे अपन देखने वाले इनकी सिचुएशन और इनके फंक्शन किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं। सिचुएशन या फॉर्मेशन कैसे बने होते हैं? फॉर्म लेटरल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, ये लेटरल पोर्शन बनाते हैं वैसोमोटर सेंटर का, अभी अपन ने देखा, इनको प्रेशर एरिया भी कहते हैं। मीडियल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, ये मीडियल पोर्शन बनाते हैं, और ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में सिचुएटेड होता है। ये क्या होता है अपन देखेंगे, ब्रेन के क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे जब अपन सीएनएस में एनाटॉमी में, तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, एंड फॉर्म पोस्टेरियो लेटरल पार्ट ऑफ अपन का जो वैसोमोटर सेंटर का पोस्टेरियो लेटरल पार्ट बनाता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया का? स्टिमुलेशन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन एंड राइज इन आरटीएल ब्लड प्रेशर। वैसो कॉन्ट्रेक्शन होगा मतलब ब्लड वेसल्स का क्या है? कॉन्स्ट्रक्शन होगा, इस वजह से क्या होगा? आरटीएल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आल्सो एक्सलरेट कॉज एक्सलरेट हार्ट रेट, देखिए ये वाले फैक्टर हार्ट रेट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे भी मैंने बताया होगा जो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया है वो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको दोनों लेके चलना है। स्टिमुलेशन कॉज सप्रेशन ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया एंड कॉज वैसो डायलेशन, ऑल्सो कंसर्न विद कार्डियो इनिबिशन, तो कार्डियो इनिबिशन से भी रिलेटेड रहता है, और साथ ही क्या करता है वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया को इनिबिट करके वैसो डायलेशन करवा देता है। ठीक है, और ये क्या करता है? सिर्फ इम्पल्स रिसीव करता है 9-10 तरफ से, पर्टिकुलरली वेरो रिसेप्टर, जो वेरो रिसेप्टर सिचुएटेड होते हैं उनसे भी सेंस लेता है, और साथ ही क्या 9th और 10th नर्व से भी सेंसेशन लेता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरे नंबर पे वैसो कॉन्स्ट्रक्टर फाइबर्स। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर फाइबर्स क्या होते हैं? तो बिलोंग टू सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए कॉन्स्ट्रक्शन करा है मतलब ये अपन समझ जाएंगे किससे रिलेटेड है, सिंपैथेटिक डिवीजन, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से ही वैसल्स का क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है। अब ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर फाइबर्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन क्यों कराते हैं? तो होता है कॉज ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन। जब नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है तो ये करवाता है वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब एक चीज होती है जो इसमें लिखनी है, वैसोमोटर टोन। वैसोमोटर टोन क्या है? जब कंटिन्यू डिस्चार्ज होता है वैसोमोटर फाइबर से, वैसोमोटर वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया है, ये वैसो कॉन्स्ट्रक्टर एरिया हो गया, वो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर फाइबर्स से कंटिन्यू डिस्चार्ज करवाएगा इम्पल्स का, वैसो कॉन्स्ट्रक्टर इम्पल्स का कंटिन्यू डिस्चार्ज करवाएगा, मतलब नॉरएड्रेनालिन
कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगी, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, वेसोमोटर टोन, आल्सो कॉल्ड सिंपैथेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर टोन या सिंपैथेटिक टोन। इट इज द कंटिन्यू डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर बाय द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर से वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर्स द्वारा कंटिन्यू डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अब अपन देखने वाले हैं वैसो डायलेटर एरिया। तो वैसो डायलेटर एरिया में भी तीन टाइप के फाइबर्स आ जाते हैं, पैरासिंपैथेटिक वैसो डायलेटर फाइबर्स, सिंपैथेटिक वैसो डायलेटर फाइबर्स, और आ जाता है एंटीड्रोमिक वैसो डायलेटर फाइबर्स। देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर में सिर्फ अपन ने सिंपैथेटिक देखा, लेकिन सिंपैथेटिक इसमें भी आ रहा है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। तो अपन देखते हैं इनको, पैरासिंपैथेटिक वैसोडायलेटर फाइबर्स क्या करते हैं, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करवाता है, वैसोडायलेशन करवाता है, ठीक है, किस तरह से करवाता है वो बनाएंगे, देखेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक वैसोडायलेटर फाइबर्स ये क्या करते हैं, सम सिंपैथेटिक फाइबर्स कॉज वैसोडायलेशन और सिक्रीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन का रिलीजिंग करवाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक वैसोडायलेटर फाइबर्स। इनको सिंपैथेटिक वैसोडायलेटर या सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स भी बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं वैसोमोटर सेंटर का, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, वैसोडायलेशन करवा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स। और तीसरे नंबर पे अपन के हो जाते हैं एंटीड्रोमिक वैसोडायलेटर फाइबर्स। देखिए ये वाले फाइबर्स के अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं लुईस ट्रिपल रिस्पॉन्स, वो आगे जाके मैं अच्छे से वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ। कुछ इंपल्स देखिए, जनरली अपन क्या होता है, ब्लड वेसल्स का मान लो कोई सेंस है, सेंसेशन यहाँ से जाना है कि हाँ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले ये पोस्टियर रूट गैंग्लियन में जाएगा, और वहाँ से कहाँ जाए चला जाएगा अपन का, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। तो ये सेंसेशन सीधे जाना था, लेकिन इसकी अदर ब्रांच से वही इंपल्स या कोई और कमांड कहाँ आ जाती है, ब्लड वेसल्स पे आ जाती है किसी और नर्व से, तो क्या यहाँ पे वैसोडायलेशन हो जाता है। तो इस तरह के जब जो सेंसेशन होता है, वो इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं इनको बोलते हैं एंटीड्रोमिक वैसोडायलेटर फाइबर्स। तो सम इंपल्स पास बाय द अदर ब्रांच ऑफ एक्सॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अदर ब्रांच के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में जाना था स्टाइप पे, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड रीच द ब्लड वेसल्स सप्लाइड बाय दिस ब्रांचेस, दिस इंपल्स डायलेट द वेसल्स और कॉल्ड एंटीड्रोमिक या एक्सॉन रिफ्लेक्स। इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, एक्सॉन रिफ्लेक्स। ये अपन आगे देखेंगे अच्छे से, वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको फाइबर्स बता दिए किस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो रहा था। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने अपने मेडिकल ग्रुप में भेजें ताकि उन्हें अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो पाएँ। थैंक यू गाइस।